सुप्रभात मित्रों, एलर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, हाय और जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, राधे राधे। सुबह का दूध ला दिए हैं, बच्चे दोनों सो रहे हैं। आज है संडे 29 अक्टूबर और आज है तो मोही और वीरू का ऑटम ब्रेक फिनिश हो रहा है और कल यानी 30 अक्टूबर को उन दोनों का स्कूल रीओपन हो रहा है और दोनों बच्चों को कल से स्कूल भेजना है और उन्हें आज उनका सारा होमवर्क फाइनल कर देना है। ये देख रहे हैं ना, ये मलाई है, घी, और इसको कैसे निकालना है ये पता है आपको? नहीं पता है ना, रुकिए दिखाते हैं। ये कहाँ गया चम्मच? ये रहा चम्मच, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं करना है, ये भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो ट्राई मार रही थी, मुझे नहीं आता। मुझे लगा आप लोग को आता है ना मुझसे बेहतर, तो आप लोग जरूर जो तो मेरी हेल्प करेंगे। सॉरी मैं मजाक कर रही थी। अभी जो है तो दूध निकालते हैं उबालने के लिए, और ये जो है ना सबसे अच्छा उपाय है इसका, सीधे दूध को गिराएंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वंदना। देखें इसी दूध से इसी ढक्कन को हल्का सा गिरा दिए और सारा घी जो है तो दूध में चला गया, ये जाएगा घुलने में। अभी इसमें थोड़ा सा दूध रखे हैं क्योंकि मीना दीदी बहुत प्योर प्योर दूध देती हैं, भगवान नजर ना लगे, तो उस घी को जो है ना ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के चारों ओर घी लगा हुआ है, हैं घुमा घुमा के हिला हिला के घुमा घुमा के, और तब निकालना होता है भैया। अभी इसमें जो है ना स्मॉल स्मॉल अमाउंट वाटर, हल्का सा एकदम हल्का वाटर लेके और उसको जो है तो मिला लेंगे, तब निकालेंगे बिना हाथ लगाए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जाने की वल्लभ। कौन कहते है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। आज फ्रेंड्स बोला है ना, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी सूजी का हलवा बना दो। अभी उठे थे सब 6 बजे, बज रहा है 8:30 और फिर सब सो गए हैं। बस बोला है मोहिना कि मम्मी सूजी का हलवा बना दो, हम खाएंगे। हम कहा चलो भाया बना देते हैं, लेकिन सो गया, तो जब उठेगा तभी गर्मा गर्म हलवा बना के उसको खिलाएंगे। अभी एक और दूध रखा है, उसको भी गर्म कर दें, है ना, उसमें हलवा बना देंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब दूध उबल जाए तब सूजी का हलवा बनाया जाए, ठीक है। फ्रेंड्स हमारी लड्डू बेटी उठ गई है सो के, भूत प्रेत लग रही है। भूत भूत लग रही है, बाल एकदम भूत भूत हो गया है। और मेरा लड्डू बेटा भी उठ गया है, मोही, दूध उबलने वाला है यार, धीमा करो। एक उबल गया है, एक बाकी है। ये हमारा लड्डू बेटा है। अरे यार यहाँ तो दो दो मच्छर काट दिए हैं, एक दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये देखो दो दो मच्छर काट दिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो आंख धुलो, मुंह धुलो, नाक धुलो, हाथ धुलो, सब धुलो। ये देखो यहाँ पे काट दिया, एक मच्छर यहाँ काट दिया, दो मच्छर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात में खून चूस के ले गए तुम्हारा, 4 दिन का खाना चूस के ले गए सब, समझा? एक बूंद खून जो है 4 दिन के खाने से बनता है, ले गए सब इनके, 1 सप्ताह का खाना ले गए सब, 2 जगह काटे, 2 जगह से 2 बूंद ले गए।
8 दिन का खाना गायब। हाँ भाई हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चले सूजी का हलवा बनाए। चलो भैया बनाते हैं। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, कुछ तो है साथ सफर, फासले है फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी नदिया के जो किनारे, पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गुमराज नहीं, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया, सारे सही नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं, हो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देश के हैरा है। ये देसी घी डाल दिए। ए बच्चों पानी वानी पियो भाई, सुबह सुबह की शुरुआत करो पानी वानी से। हलवा बना के ला रहे हैं, खा लो, उसके बाद तब खाना बनाएंगे। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चुम्मन में, कल छुप कर है चपटा वाला पलटा, पलटा किधर है, इसको धीमा करो नहीं तो हमारा सूजी जल जाएगा। थैंक गॉड बच गया। मैं तो ध्यान ही नहीं दी थी कि दूध भी उबल रहा है। यही होता है मेरे साथ, मेरा ना कितना बार दूध गिर चुका है फ्रेंड्स, ऐसे ही गिर चुका है। मैं ना उबलने के लिए रख देती हूँ, भूल जाती हूँ। थैंक गॉड लाख लाख शुक्र है भगवान का, बच गया दूध, एक बूंद भी लॉस नहीं हुआ। अभी सूजी भून ले, हलवा बना ले, मोहन बीरू को दे दे, उसके बाद से आज का दिनचर्या ये है। आज का शेड्यूल एकदम बिजी, उसका अभी तीन जो तो प्रोजेक्ट बाकी है, एक तराजू बनाना है, एक ट्रेन बनाना है, और एक जो तो डॉग्स का बनाना है। तीनों आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में, और वो तीनों बना के फिर आर्यन का भी बनाना है तराजू। आर्यन रहता है फोर्थ फ्लोर पे, मुझसे पहले ट्यूशन पढ़ता था, अब मैंने उसको इसलिए हटा दिया कि मैं बहुत बिजी हो गई यूट्यूब पे, मैं ज़्यादा बिजी हो गई ना, तो मुझे रात में जगना पड़ता था एडिटिंग के लिए, तो मैंने कहा बेटा ट्यूशन हम नहीं कर पाएंगे सॉरी, तो ट्यूशन मैंने हटा दिया है। तो वो भी आर्यन आएगा, उसका भी तराजू बनवाना है, उसको सिखाना है कैसे क्या बनाते हैं, उसको सिखाना भी बनाना है। सरकार महोदय तो गए ड्यूटी रात के 2:30 बजे, बोले हमारी ट्रेन आ गई जा रहा है, हमको चाहिए। ठीक है भैया बाय, और क्या किया जाए। अभी आ रहा है करवा चौथ, 1 तारीख की भी तैयारी करनी है, 1 नवंबर को करवा चौथ है। समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे तैयारी की जाए, साड़ी खरीदी जाए नहीं खरीदी जाए, साड़ी खरीदने मन नहीं कर रहा है। 3 साड़ियाँ हैं, 3 बहुत हैं, उस 3 में से कोई एक पहन लेंगे हो जाएगा। बीरू ले भाई पानी पी, मोही चल भाई आ जा। प्यारे बच्चों पानी लो, ये लेके जाओ खुद पियो और भैया को पिलाओ। सो क्या बताया जाए आप लोगों को, ये गर्म नहीं है तो भी हम कपड़े पकड़ रहे, इतने मूर्ख है जो गर्म नहीं है उसको भी कपड़े पकड़ रहा है, जो गर्म है उसको तो पकड़ना ही पकड़ना है, नहीं तो हाथ जल जाएगा। भैया धीमा करो, जल रहा है सारा सूजी।
हाँ मैंने सुना था ब्लैक व्हाइट धू धाए क्यों हो रहा है भाई, एक पानी पे रहो, हम तो एक पानी पे है, तुम भी एक पानी पे रहो है? ये धू धाए ब्लैक व्हाइट क्या हो रहा है, वो शेडो पड़ रहा है, इधर से बंद कर दे, ये कर दे, अब देखे अब सही हो गया। हाँ यार गजब, अब सही हो गया, वो शाइन शेडो पड़ रहा था ना धूप से, धूप की वजह से ना ब्लैक व्हाइट हो रहा था कैमरा, कैमरे पे जो वीडियो बना रहे ना वो ब्लैक व्हाइट हो रहा था। सुबह की कड़क धूप निकलती है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग का दक्षिण साइड में है, तो दक्षिण साइड से सीधा धूप घर में, मस्त धूप आती है, अगर वहां एक घंटे बैठ जाओ ना तो सिर टंटना जाएगा पूरा, इतना हाई फाई धूप होता है। चलो बीरू पानी पी लिया, भैया को पिलाई, भैया को पिलाई या नहीं पिलाई, बोलो पिलाई। थैंक यू, बैठो लाते हैं, हल्का मीठा बनाएंगे, ज्यादा मीठा नहीं, ओके ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ना मैं खाती हूँ ना बच्चों को खिलाती हूँ, ज्यादा मीठा हल्का मीठा ही चलता है, कम चीनी, ज्यादा मीठा ना मिठाई में जाता है, इधर आके बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ ज्यादा मीठा, ज्यादा मीठा ना मिठाई में जाता है, ज्यादा मीठा मिठाई में जाता है और ज्यादा मीठा पेट में नहीं जाता है, मिठाई में जाता है, समझे आप? ज्यादा मीठा डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करता है, हाँ ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, लीवर को किडनी को थोड़ा सा इफेक्ट डालता है, और उसी की वजह से एलर्जी भी नहीं जाती है, मीठा कैसे कम किया जाए, चीनी की जगह पे गुड़ का ऑप्शन कैसे डाला जाए, नहीं हो पाता है, जो ऑप्शन है वो काफी कॉस्टली है, वो हमारे जेब से बाहर है, कोई बात नहीं जाने दो, धीरे धीरे साजना हले हले बालमा, ओ हो हो आहा, जरा हले हले चलो मोरे साजना, ये तो हो गया, अब इसको जो है थोड़ा सा छोड़ दे पकने के लिए, जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे गाढ़ा होगा, वैसे वैसे हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हले हले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, धीरे धीरे साजना हले हले बालना, ओ हो 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 हो। जो छोटे छोटे बच्चे जो शॉर्ट्स वीडियो में गाते हैं ना, यही गाना मस्त लगता है यार, इतना बहुत बेहतरीन लगता है, कितना बढ़िया और बच्चा गाता है, दोनों मेरे ही बच्चे के जैसे हैं, जैसे बीरू और मोही है ना उसी एज के, वही दोनों बच्चे हैं सब, क्या बढ़िया गाते हैं सब, मैं तो कैसे मोही तू भी देख देख कैसे गा सकते, कितना बढ़िया, जरा तू भी सीख और ऐसे गा, खेलने के मूड में रहता है, निकल जाता हूँ, और बीरू जरा गाना सुना, आ जाओ यहीं पे खड़ी है देख रही मुझे, आ जाओ, धीरे धीरे साजना हले हले बालमा, ओ हो हो हो, जरा हले हले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे, जरा हले हले चलो मोरे साजना, हो गया भैया सूजी का हलवा बन गया है, चलते हैं बच्चों को खिला देने, उसके बाद से फिर बैठा जाएगा पढ़ाई करने, ठीक है।